बीजापुर में आज 328 करोड़ 49 लाख रुपए के लागत से 126 कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन, जिसमें से 241 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 72 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 86 करोड़ 74 लाख रुपए लागत के 54 कार्यों का लोकार्पण, इससे बांव से सड़कें और पुल पुलिया का निर्माण, शिलान्यास हुए हैं, आवागमन की सुविधा बढ़ाने का काम और उसके साथ साथ पिछले दिनों विद्युतीकरण के भी काम शुरू हुए हैं। जब बिजली पहुंचती है तो बिजली के साथ साथ अन्य विकास कार्य भी, चाहे वो पेयजल हो, चाहे घर में प्रकाश पहुंचाने की बात हो, चाहे खेतों में सिंचाई करने की बात हो, चाहे वो हालर में लगाने की बात हो, बहुत सारे कुटीर उद्योग इससे संचालित होते हैं, तो बिजली भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार इस 2 वर्षों में लगातार कर रही है। आदरणीय साथियों, जिस प्रकार से भाई विक्रम मंडावी आपके क्षेत्र में लगातार जब वो चुनाव हारे थे तब भी सक्रियता के साथ आपके सुख दुख में खड़े थे, और जब आपने आशीर्वाद दिया तो पूरी ताकत के साथ आपके क्षेत्र के विकास और आपकी सेवा में दिन रात लगे हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब बस्तर के विधायक हम लोगों से मिलते थे तो 2-3 मांग करते थे। पहली मांग, हमारे यहाँ डॉक्टर पदस्थापना कर दो, दूसरा मास्टर की पदस्थापना कर दो। लेकिन आपने देखा पिछले सरकार में जहां सैकड़ों स्कूल बंद हो गए थे, हमारी सरकार आने के बाद वो जो बंद पड़े स्कूल में से 56 स्कूल फिर से आपके बीजापुर में शुरू की गई, और वहां स्थानीय नौजवानों को मौका दिया है नौकरी करने के लिए। हमने डीएमएफ के पैसे से बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, कलेक्ट्रेट में लिफ्ट लगाने के लिए, अधिकारियों के बंगले में स्विमिंग पूल बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य हाट बाजार क्लिनिक योजना, जिसमें सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान हमने शुरू किया, हजारों लोग जो लगातार उस बीमारी से ग्रसित रहते थे उसमें भारी कमी आई। एक अभियान पूरे बस्तर में चलाया कि मलेरिया मुक्त होना चाहिए, उसमें काफी सफलता मिली। उसी प्रकार से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हमने शुरू की बस्तर से। हम मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस साल, एक ही साल में 77,000 बच्चे कुपोषण से बाहर आए, सुपोषित हुए हैं। 10% तो इसी जिले में वृद्धि हुई है सुपोषण में बच्चों के। एनीमिया से पीड़ित हमारी जो बेटियां हैं, माताएं, बहनें हैं, उनको लाभ मिला है। गांव गांव में सुपोषण योजना हम लोग शुरुआत किए हैं, जिसे हजारों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो डीएमएफ का पैसा आपके स्वास्थ्य, आपके शिक्षा और आपके रोजगार के लिए हम लोग लगा रहे हैं। आज आपके हॉस्पिटल में 20-22 डॉक्टर हैं जो दिन रात आपके स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो इन 2 वर्षों में हुआ है। आदरणीय साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके
रोजगार मिले, आपके आय कैसे वृद्धि हो। तो एक तरफ लघु उपज केवल 7 खरीदी होती थी, उसे बढ़ा के हमने 52 कर दिया है। उसके साथ साथ तेंदू पत्ता की कीमत 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपया कर दिया है। कोरोना के समय में जब पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन था, बंद हो गई थी, आवागमन बंद था, ऐसे समय में हमारे वन विभाग के अधिकारी, हमारे स्व सहायता समूह के, हमारे इनके माध्यम से महुआ और इमली खरीदी का काम किए हैं, जो ऐतिहासिक है। पूरे देश के 74% लघु उपज हमारे छत्तीसगढ़ से खरीदा गया। एक समय था जब हम 99% उसके बाद की, तब भी आज के तारीख तक के 74% लघु उपज हमारे गरीब लोगों के, हमारे आदिवासी लोगों के, वनांचल में रहने वाले लोगों के जेब में गया है। हमारी कोशिश रही है कि उस समय भी, संकट के समय में, हमारी सरकार आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ खड़ी रही है। उसका लाभ मिला। एक तरफ राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 3 किस्तें आपको मिली। जब लॉकडाउन था, लोगों के पास पैसे की कमी थी, पैसा देना शुरू किया, 3 किस्त दे चुके हैं। चौथा किस्त भी 31 मार्च के पहले आप सबके खाते में पहुंच जाएगा। लघु उपज का पैसा गया, तेंदू पत्ता का पैसा आपके जेब में गया। अकेला बीजापुर है, जो पिछले दिनों जब हम लोग आए थे कवासी दादी के साथ, दीपक बैज के साथ, यहाँ बांस कटाई नहीं होती थी। हम लोगों ने कहा गांव वाले काटें इसे, और उसे 6000 लोगों को 4 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, और इस साल तो 8000 लोग उसमें काम कर रहे हैं, और 5 करोड़ से भी अधिक राशि हमारे आदिवासी भाइयों के खाते में जाना है। तो कैसे लोगों के आय बढ़े, ये लगातार हमारी चिंता। और इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं, हमारे ये छत्तीसगढ़ में हुआ है कि 2 रुपये किलो में गोबर और 1 रुपये किलो में चावल, चावल 1 रुपये किलो मिलता है, और आपका, आपके जानवर के गोबर, मवेशी के गोबर हम लोग 2 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, पहले धान बेच के मोटरसाइकिल खरीदे, अब तो बहुत जगह रायगढ़ में, चापा, जांजगीर में, कोरबा में, बहुत जगह ऐसे हो गए हैं जो गोबर बेच के मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाय और भैंस खरीद रहे हैं। मैं समझता हूं उस योजना का लाभ बीजापुर के भी साथियों को उठाना चाहिए, गोधन न्याय योजना का लाभ। एक तरफ जहां गोबर बिक्री से पैसा मिलता है, वहीं वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद उसका पैसा अलग से मिलता है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, इस योजना का लाभ उठाएं। बस्तर पूरे दुनिया में 4 कारणों से जाना जाता है। एक, बस्तर का दशहरा। दूसरा, हमारे दंतेश्वरी मई। तीसरा, मुर्गा बाजार। और चौथा है घोटुल, इसके नाम से जाना जाता है, हमारे देवगुड़ी के नाम से जाना जाता है। और हमने कल नारायणपुर में जितने भी घोटुल है, उसके विकास के लिए चाहे जितने भी राशि लगे, हम वो राशि स्वीकृत किए हैं। और वहां घोटुल के साथ साथ 100 देवगुड़ी के लिए भी हमने घोषणा की है। मैं बीजापुर में भी, यहाँ हर पंचायत में, पहले पंचायत स्तर के देवगुड़ी बनाएंगे, उसके बाद गांव-गांव के देवगुड़ी के बनाएंगे। तो यहाँ भी जितने पंचायत हैं और जितने देवगुड़ी हैं, उसके विकास के लिए जितनी भी राशि लगेगी, मैं कलेक्टर साहब को निर्देश दे रहा हूँ कि आपके यहाँ देवगुड़ी का निर्माण किया जाएगा, बहुत सुंदर देवगुड़ी बने, ये हमारी कोशिश।
हमारा आस्था का केंद्र है, हम उसके साथ जीते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके साथ ही हमारा बहुत सुंदर बनना चाहिए। जो आवश्यक संसाधन है वहां उपलब्ध कराया जाएगा। मैं इन शब्दों के साथ एक और बात कहना चाहता हूं, अभी तो हम मक्का खरीद रहे हैं, हम गन्ना खरीद रहे हैं, धान खरीद रहे हैं, तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं। अब इस साल से अभी जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो कोदो कुटके की आज तक के समर्थन मूल्य घोषित नहीं हुआ है। मैं बीजापुर के मन से घोषणा करता हूं कि आने वाले कैबिनेट में कोदो कुटकी की भी समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, उसकी खरीदी की जाएगी। हमारे बस्तर में बहुत सारे जगहों में कोदो कुटकी खरीदी की जाती है, तो उस कोदो कुटकी से हम लोगों का जीवन यापन होता है। और आज अमेजान में जाइए, 200 रुपये किलो में कोदो का चावल मिल रहा है, कुटकी मिल रहा है, हम लोग औने पौने में बेच रहे हैं। बस्तर का काजू उड़ीसा के व्यापारी 50 रुपये किलो में ले जाते थे, आज मैं स्टॉल में देखा बस्तर का काजू यहाँ पैकेट में बिक रहा है। हमने फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो बंद पड़ा था चालू किए, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला, और आपके बस्तर का काजू 290 रुपये से लेके 700 रुपये किलो तक बिक रहा है। उसका पैसा एक तो आपने संग्रहित किया, उसका पैसा मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग करने के बाद वो पैसा भी, जैसे तेंदुपत्ता को पैसा मिलता है, वैसे काजू प्रोसेसिंग के बाद भी जो पैसा ज्यादा आमदनी होगा वो सभी जो संग्राहक है उसके खाते में जाएगा। तेंदुपत्ता के साथ अब वो भी, काजू भी, और उसके साथ अब कोदो कुटकी की भी हम लोग खरीदी करेंगे, ये मैं घोषणा करता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा और बात न कहते हुए, ये विक्रम मंडावी है ना, मेरे से बहुत लड़ता है। जब देखो बीजापुर के लिए ये चाहिए, बीजापुर के लिए वो चाहिए, कभी फोन में रात को फोन करेगा, कभी दिन में फोन करेगा, नई बात होगी तो दौड़ के वो रायपुर पहुंच जाता है। लेकिन विकास कार्य के लिए आपके हित में लगातार मेरे से लड़ाई करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आदरणीय साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लंबा चौड़ा उन्होंने मांग की है, क्या क्या मांग किया है, ये लोहा डोंगरी पार्क का उन्नयन करना है। ये लोहा डोंगरी पार्क जो आप सब ने मेहनत की, हमारे जवानों ने, हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, समाज के लोगों ने, छात्र छात्राओं ने, सबके श्रमदान से बना है, तो बहुत सुंदर। मैं रास्ते में आते आते मुझे विक्रम दिखा रहा था, उसे और उन्नयन करना है, और उसमें जितनी भी राशि लगेगी उसे मैं स्वीकृत करता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सुंदर बनना चाहिए। उसी प्रकार से आपका जो तालाब है, कौन सा तालाब, महादेव तालाब, उसके भी निरीक्षण करने के लिए मुझे ले गया था, उसका भी सौंदर्यीकरण करने की मैं घोषणा करता हूं। और उसके साथ साथ भोपालपट्टनम के दुधेड़ा तालाब, भोपालपट्टनम के कोंगपल्ली तालाब, दंपाया तालाब, कोटमपल्ली तालाब, मिनकापल्ली तालाब और सेंट्रापल्ली तालाब, केसारीगुड़ा तालाब, कुनागुड़ा तालाब, सेमल डोडी तालाब उसूर ब्लॉक से ही पेरमपल्ली तालाब, बीजापुर से तुमनार तालाब, इसके भी गहरीकरण और सौंदर्यीकरण की भी घोषणा करता हूं। इसके साथ साथ कुछ सड़कों की बात, हमारे भाई विक्रम देखो मेरे पीछे आग खड़ा हो गया, पहले बैठा था, कोई छूटे मत, यहां पे आग खड़ा हो गया। डारापाल से बांगापाल तक के सड़क और पाटलीगुड़ा से पिनकोंडा तक के सड़क और पुलिया
तालनार पटेल पारा से नीचे पारे तक की सड़क पुल पुलिया और उसके साथ नेलसनार से डारापाल पांडे गुर्गा से नेलनसार और जेगुर रोड से तुमनार तक और फूलगट्टा से पेदपाल तक के और कुटरू से फरसेगढ़ तक के चौड़ीकरण, उसी प्रकार से पाटलीगुड़ा से पिनकोंडा और बिरोजे वन से बोरजे टू तक के जो सड़क है निर्माण की मैं घोषणा करता हूं। और उसके साथ साथ भैरमगढ़ के बस स्टैंड के जीर्णोद्धार, आवापल्ली बस स्टैंड के निर्माण, मंदेड़ के नवीन बस स्टैंड के निर्माण, कुटरू और गंगालूर में तहसील कार्यालय की भी घोषणा मैं करता हूं। दो नए धान खरीदी इस साल, पिछले साल तक के केवल 9000 क्विंटल तक के खरीदी हुई, इस साल लगभग 36000 हो चुका है। तो उसको देखते हुए दो नए धान केंद्र संग्रहण केंद्र के लिए सकल नारायण कोंगपल्ली और भद्रकाली दो धान खरीदी केंद्र खोलने के भी और एक आवापल्ली में नवीन शासकीय महाविद्यालय की भी मांग इन्होंने की है, बजट में जोड़ने की मेरी कोशिश होगी। इस प्रकार से बहुत सारी मांग हमारे विधायक साथी ने की है, विकास कार्य के लिए कहीं कोई कमी नहीं आने देना है। और बस्तर की संस्कृति, बस्तर की सभ्यता, यहाँ के लोगों के विकास, यहाँ के जिस प्रकार से अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया है, अभी मैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भ्रमण करने गया था, वहां बच्चों से मिला, क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। खेल के भी आपने तो नया इतिहास गढ़ा है, चाहे जूडो हो, कराटे हो, यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजापुर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इन सबको बढ़ावा देने का काम, हमारे बस्तर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यदि कमी है तो केवल अवसर की, वो सारे अवसर हम प्रदान करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे नीट में हमारे बच्चे के पास हुए थे, किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए, तो हम लोग अपने पैसे से उन बच्चों का फीस जमा करके उसका एडमिशन कराए थे, शासन से पैसा जमा कराए थे। तो ये हम लोग लगातार बस्तर के विकास के लिए, बीजापुर के विकास के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों विधानसभा में कवासी लखमा बताया नहीं, ये उद्योग मंत्री हैं, वो नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में उन्होंने शासकीय संकल्प विधानसभा में लाया और कहा कि ये एनएमडीसी द्वारा खोला गया है, उसी के द्वारा संचालित होना चाहिए, निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए, ये संकल्प उन्होंने लाया है। आज तक के जो बंद पड़े फैक्ट्री वो उसको बिकते हुए देखा हमने, लेकिन भाजपा सरकार में जो फायदा देने वाले एक फैक्ट्री है उसको बेचने का काम किया, और ये तो नया इतिहास बनने जा रहा है। नगरनार स्टील प्लांट शुरू ही नहीं हुआ है और उसको बेचने के लिए भी तैयारी कर चुके हैं, और हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है, भारत सरकार या एनएनबीसी उसको नहीं चला सकती, तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को वो जो नगरनार की स्टील प्लांट दे दे, हम लोग यहाँ चला लेंगे, बस्तर के नौजवानों को रोजगार देंगे, पुलिस भर्ती में भी यहाँ बीजापुर के, बस्तर सुकमा के, दंतेवाड़ा के, बस्तर के नौजवानों को हम प्राथमिकता देंगे, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, शिक्षकों में उसी प्रकार के अवसर देंगे। तो आज हम लोग चाहते हैं कि बस्तर के नौजवानों को रोजगार की कोई कमी ना हो, उनको रोजगार मिले, शासकीय नौकरी के बाद प्राइवेट निजी क्षेत्र में भी
उनको नौकरी मिले और साथ ही साथ रोजगार के भी नए अवसर यहाँ मिलना चाहिए। बहुत खूबसूरत हमारा बस्तर, हमारी पहचान छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़ा भूभाग बस्तर, जिससे हम लोग गर्व से हमारा बस्तर हम कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य पिछले कुछ वर्षों से बस्तर पिछड़ता गया और लोग आने से घबराते गए, लेकिन अब बस्तर में एक नई बयार बह रही है। बस्तर के विकास में यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बस्तर के विकास के नए सोपान तय कर रहे हैं। मैं बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए ये कहना चाहता हूँ, ये जल जंगल जमीन की जो लड़ाई आपने छेड़ी है, पिछले दिनों फॉरेस्ट राइट एक्ट की तरफ पट्टा नहीं मिलता था, हमने फिर से उन पट्टों को देने का फैसला किया, फिर से परीक्षण कराया और अभी हमारे विधायक विक्रम मंडावी ने एक गांव में जाके 100 पट्टा बांटे। वहां के लोग और मेरे पास मिलने आए थे कि भैया हमारे पास 50 लोग और हैं जिसका कब्जा है, उसको भी पट्टा मिलना चाहिए। तो जमीन के प्रति कितनी ललक है और वो चाहते हैं उनको जमीन मिले। हमारी सरकार की योजना है जो 13 दिसंबर 2005 के पहले जो आपका कब्जा है, जो 3 पीढ़ी से रह रहा हो और 75 साल से रह रहा हो, तो उनको पट्टा मिलने का अधिकार है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो गैर आदिवासी हो, सबको बराबर हक मिलेगा। आदिवासी को 13 दिसंबर 2005 के पहले कब्जा और दूसरे लोगों को 13 दिसंबर 2005 के पहले कब्जा के साथ 3 पीढ़ी से निवास करना आवश्यक है। तो इसलिए उन सबको हम पट्टा देंगे। और ये भी कहना चाहता हूँ, अब बस्तर में कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। यदि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा नहीं मिलता तो भी शासकीय भूमि से उन गरीब लोगों को जो भूमिहीन है, उन सबको हम लोग जमीन देंगे। ऐसी योजना हम बना रहे हैं ताकि बस्तर में कोई आदमी भूमिहीन न हो, ये हमारी कोशिश होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई और नववर्ष की बधाई और शुभकामना देते हुए नेमेड़ में 30 बिस्तर अस्पताल की मांग कर रहे हैं, मैं इसका परीक्षण करा लेता हूं, बजट में लाने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नववर्ष की बधाई देते हुए, आप बड़ी संख्या में और बहुत देर से आप आए, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। आइए जिला प्रशासन और बीजापुर की जनता की जनसहभागिता से एक अभिनव पहल की शुरुआत की गई है, मनवा बीजापुर दर्शनीय बीजापुर। मनवा बीजापुर दर्शनीय बीजापुर के लोगों का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से किया जाएगा, साथ ही मनवा बीजापुर दर्शनीय बीजापुर की पत्रिका का विमोचन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से इस मंच के माध्यम से होगा।